सबसे पहले रवि शाह आपसे ही मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं और बहुत सारे लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो हम लोगों को मिलते हैं जब भी हम लोग लोगों के साथ बातचीत करते हैं। हर कोई सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि ये जो महंगाई इस समय बढ़ रही है ये कहां जाकर रुकेगी और क्या फौरी तौर पर कोई राहत मिलने की गुंजाइश या कुछ उम्मीद आपको नजर आती है। एक आर्थिक विश्लेषक होने के नाते आप इसका कैसे विश्लेषण करेंगे, क्योंकि लोग ये समझना चाह रहे हैं कि क्या वजह है हर चीज महंगी होती हुई दिख रही है। आयुष, बात करूं तो देखिए, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि महंगाई अभी रुक जाएगी, महंगाई नहीं रुक पाएगी अभी, वो बिल्कुल स्पष्ट इसलिए है क्योंकि कोल क्राइसिस चल रहा है। कोल क्राइसिस की वजह से भी प्रेशर, मार्केट प्रेशर है। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कम हो गई है, उसकी वजह से या डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसके दूसरे अलावा हमारा जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। इम्पोर्ट जो भी सामान आ रहा है वो महंगा आ रहा है उसकी वजह से। तो मिला जुला के ये मैं आपसे ये कहूँगा कि ये पूरा एक विशेष सर्किल है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। जब तक क्रूड ऑयल कम नहीं होगा, प्राइसेस कम नहीं होंगे, जब तक कोयले दोबारा माइंस में जहाँ पानी भर गया है वहां से दोबारा एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं होगा, तब तक आपको ये स्थिति दिखाई देती रहेगी। अब दूसरी, कहाँ आपकी जो थाली है वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, आपकी थाली में सब्जियाँ कम आ रही हैं, उसका रीज़न क्या है? देखिए, एडिबल ऑयल 30.68% बढ़ चुका है। उसका भी जो रीज़न है वो यही है क्योंकि आपका जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे पानी बस चुका है, वो एक मानसूनी एरिया डिपेंड करता है फसलों पे, वहीं से आपको दालें और ऑयल के लिए मस्टर्ड मिलते हैं और वहाँ पर पानी बरस गया, उसकी वजह से भी मटेरियल नहीं मिल पाया, जो जिसकी वजह से मार्केट में मटेरियल आ नहीं पा रहा है।